नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से एक और बड़ा रिक्रूटमेंट आप सभी के लिए आ चुका है। ऑफिशियली नोटिफिकेशन भी दोस्तों इसका आ चुका है। 10वीं और 12वीं पास वालों के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड में भर्ती होने का सुनहरा मौका आ चुका है। और दोस्तों खास बात यह है कि रिक्रूटमेंट आपका ऑल ओवर इंडिया रिक्रूटमेंट रहने वाला है। सभी राज्यों के कैंडिडेट इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अप्लाई का जो आपका मोड होगा दोस्तों वो ऑनलाइन रहने वाला है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, देखेंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कि कौन कौन सी पोस्टों पर ये रिक्रूटमेंट निकला है, कितनी कितनी अलग अलग कैटेगरी वाइज जो आपकी वैकेंसीज है, एज क्राइटेरिया आपका क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या रहने वाला है। तो इससे जुड़ी पूरी अपडेट मैं आपको स्टूडियो में डिटेल से बताने वाला हूं। बच्चों वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित रहने वाला है। अगर आप भी एक गवर्नमेंट जॉब की तलाश में है या फिर इंडियन नेवी में भर्ती होने का अगर आपका भी सपना है तो बिल्कुल जी हाँ दोस्तों, आज आप इस रिक्रूटमेंट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो इससे जुड़ी पूरी अपडेट मैं आपको डिटेल से बताता हूं। सबसे पहले चलते हैं दोस्तों वेबसाइट पर। तो दोस्तों यहां पर देख रहे होंगे डिफेंस जॉब अलर्ट की ऑफिशियली साइट पे, और यहां पर आपको हर छोटे से बड़े लेटेस्ट रिक्रूटमेंट की जानकारी सबसे पहले देखने को मिल जाएगी, चाहे वो एडमिट कार्ड हो, आंसर की हो या रिजल्ट, आप डायरेक्टली ऐसे चेक कर पाएंगे। और यहां पर आप नीचे जाएंगे तो आपको एक अलग से बॉक्स मिलेगा मेरे प्यारे दोस्तों, लेटेस्ट जॉब, और यहां पर आप देख ले इंडियन कोस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट 2021 और 22, इंटेक 2022 का रिक्रूटमेंट आप सभी के लिए आ चुका है। और मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको बता देता हूं, इस रिक्रूटमेंट में इस बार टोटल 322 पदों पर आपका रिक्रूटमेंट निकला है, जिसमें नाविक, जीडी और डीबी के पद होंगे। तो दोस्तों जैसे ही इस लिंक पे क्लिक करते हैं पूरा पेज हमारे सामने ओपन होके आ जाता है, और यहां पर हम पूरी डिटेल से जानेंगे कि अलग अलग आपकी वैकेंसीज कितनी है। तो मैं दोस्तों बता देता हूं, टोटल 322 पदों पर आपका रिक्रूटमेंट होगा। और इस रिक्रूटमेंट के लिए कब से लेकर कब तक आप अप्लाई कर पाएंगे, तो जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है वो रहेगा इंडियन कोस्ट गार्ड आईसी जिसे बोलते हैं। यहाँ पर आपकी जो वैकेंसी है वो कौन कौन सी पोस्टों पर निकली है तो मैं बता दूं दोस्तों, नाविक जीडी की वैकेंसी होगी, नाविक डीबी की वैकेंसी होगी जिसे डोमेस्टिक ब्रांच बोला जाता है, यांत्रिक के पदों पर रिक्रूटमेंट होगा, और ये आपका जो बैच है वो 2022 का बैच है। इसके अलावा जो आपका एप्लीकेशन का जो मोड रहेगा ऑनलाइन अप्लाई रहने वाला है। उसके अलावा ऑनलाइन का आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो 4 जनवरी से शुरू हो जाएगा, और ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका आ चुका है। लास्ट डेट मेरे प्यारे बच्चों 14 जनवरी 2022 तक है। अब मैं आपको बता देता हूं, ऑल ओवर इंडिया आप यहां पर देख लीजिएगा, ऑल ओवर इंडिया मेल सिटीजन है वो इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ऑल ओवर इंडिया सभी राज्यों के कैंडिडेट इस रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल होंगे। सिलेक्शन प्रोसेस आपका वही रहने वाला है, सबसे पहले रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद में आपका पीएफटी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और मेडिकल के बाद में आपका फाइनली सिलेक्शन यहां पर होने वाला है। अब मैं अलग अलग कैटेगरी वाइज वैकेंसी की बात करूं तो सबसे पहले बात करते हैं नाविक जीडी की। तो नाविक जीडी में जनरल कैटेगरी की टोटल आपकी जो वैकेंसी है मेरे प्यारे बच्चों वो 112 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की 28 वैकेंसी है, ओबीसी की 72 वैकेंसी है, और एसटी की 11 वैकेंसी और एससी की 37 है, और टोटल मिलाकर 260 वैकेंसी अकेली जीडी की है, जो कि काफी अच्छी वैकेंसीज है। नाविक डीबी की बात करें डोमेस्टिक ब्रांच की, तो यहां पर जनरल कैटेगरी की आपकी वैकेंसी 12 है, ईडब्ल्यूएस की आपकी 2 वैकेंसी है, ओबीसी की आपकी 9 वैकेंसी है, एसटी की आपकी 7 वैकेंसी है, और एससी की आपकी 5 वैकेंसी है, और टोटल जो डीबी की वैकेंसी है वो आपकी 35 वैकेंसी है। उसके अलावा दोस्तों अगर आप यांत्रिक मैकेनिकल के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहां पर आपकी टोटल वैकेंसी 13 है, जिसमें 4 वैकेंसी आपके जनरल की है, ईडब्ल्यूएस की 1 वैकेंसी है, ओबीसी की 2 वैकेंसी है, एससी की 6 वैकेंसी है, और एसटी की आपकी 0 वैकेंसी, और टोटल 13 वैकेंसी है। वही अगर आप यांत्रिक इलेक्ट्रिकल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहां पर जनरल की 6 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी नहीं दी गई है, ओबीसी की 2 वैकेंसी है, एससी की भी वैकेंसी नहीं है, एसटी की 1 वैकेंसी, और टोटल 9 वैकेंसी है। यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो यहां पर जनरल की जो वैकेंसी है वो 3 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी मेंशन नहीं की गई है, 1 वैकेंसी आपके ओबीसी की होगी, एससी की वैकेंसी नहीं है, 1 वैकेंसी एसटी की होगी, टोटल 5 वैकेंसी है। अब अलग अलग अगर वैकेंसी की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहां पर जनरल की अकेली की 137 वैकेंसी है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस की जो आपकी वैकेंसी है वो 31 वैकेंसी है, ओबीसी की 86 वैकेंसी है, एससी की 23 वैकेंसी है, एसटी की 44 वैकेंसी, और टोटल जो आपकी वैकेंसी रहेगी तो 322 पदों पर ये रिक्रूटमेंट आप सभी का होने वाला, जो कि काफी अच्छा और बड़ा रिक्रूटमेंट है। अब मैं अलग अलग आपको कैटेगरी वाइज बता देता हूं,
मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप नई नाविक जीडी के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप 12वीं पास होने चाहिए और 12वीं में आपके मैथ और फिजिक्स होने चाहिए। चाहे आप भारत के किसी भी राज्य के मान्यता प्राप्त बोर्ड से अगर आपने 12वीं पास की है और ये सब्जेक्ट अगर आपके हैं तो आप जीडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप 10वीं पास है तो भी आप सभी के लिए एक अच्छा मौका है, आप यहाँ पर नाविक डीबी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, डोमेस्टिक ब्रांच के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर केवल और केवल मेरे प्यारे बच्चों 10वीं पास रखा गया, केवल 10वीं पास, परसेंटेज का रिक्वायरमेंट नहीं है। चाहे आप किसी भी राज्य के मान्यता प्राप्त बोर्ड से अगर आपने 10वीं पास किए आप इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वही बात करते हैं यांत्रिक की, अगर आप यांत्रिक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहां पर भी केवल और केवल 10th पास रखा गया है। चाहे आप भारत के किसी भी राज्य से हो, आप अगर 10th पास है और अगर आपके पास में डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स या टेलीकम्युनिकेशन का या इंजीनियरिंग है आपके पास में तो आप दोस्तों यांत्रिक के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। एज क्रिटेरिया की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर आपका जो एज क्रिटेरिया रहेगा वो 18 से लेकर 22 वर्ष रहेगा। उसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, आपका जन्म है वो 1 अगस्त 2000 से लेकर 31 जुलाई 2004 तक होना चाहिए। अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट है तो आप इस रिक्रूटमेंट के लिए 27 साल तक अप्लाई कर पाएंगे, जबकि अगर आप ओबीसी कैंडिडेट है तो आप रिक्रूटमेंट के लिए 25 साल तक भी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यहां पर आपकी जो मिनिमम हाइट रखी गई है वो 157 सेंटीमीटर, जो कि काफी कम है। मतलब जिन कैंडिडेटों की हाइट कम है उन सभी को भी इंडियन नेवी के कोस्ट गार्ड की तरफ से एक अच्छा मौका दिया जा रहा है। उसके अलावा हाइट है, हाइट स्टैंडर्ड में भी रिडक्ट बाय अप टू 5 सेंटीमीटर बिलो 157 सेंटीमीटर फॉर कैंडिडेट हैविंग डोमिसाइल ऑफ असम। अगर आप असम, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गढ़वाल, सिक्किम, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 सेंटीमीटर की अतिरिक्त हाइट में भी छूट यहां पर मिल जाएगी। अगर आप दोस्तों हाइट की अगर बात करें, अगर आप लक्षद्वीप से बिलोंग करते हैं तो आपको 2 सेंटीमीटर की भी हाइट में छूट मिलेगी। चेस्ट की बात करें तो चेस्ट आपका नॉर्मली कितना भी हो लेकिन 5 सेंटीमीटर आपको चेस्ट है वो फुलाना होता है। उसके अलावा यहाँ पर बात करें तो जो वेटेज होगा आपका वो 10th के परसेंटेज के आधार पर यहाँ पर रहने वाला है। उसके अलावा दोस्तों टैटू नहीं होना चाहिए, हीरिंग आपकी जो सुनने की क्षमता है वो नॉर्मल होनी चाहिए। उसके अलावा ये सारे डॉक्यूमेंट आपके ऑनलाइन फॉर्म भरते समय चाहिए, जिसमें आपके पास एक फोटो सिग्नेचर होना चाहिए, एजुकेशनल सर्टिफिकेट होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए और एक आपके पास में आईडी प्रूफ होना चाहिए। यहाँ से दोस्तों आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं जैसे ऑनलाइन अप्लाई आपका शुरू होगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो यहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप भी जरूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो उसकी जानकारी भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे सबसे पहले मिल पाती है। यहाँ से आप पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से आप ऑफिशियली वेबसाइट पर जा सकते हैं। साथ ही दोस्तों इस साइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहाँ जाके आप इस रिक्रूटमेंट को एक बार ध्यान से जरूर पढ़िएगा। और दोस्तों अगर आप इस रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल है तो आप इस रिक्रूटमेंट के लिए ऑनलाइन अप्लाई भी जरूर करें। इसके अलावा आपके कोई भी डाउट्स है तो मेरे प्यारे बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के डाउट्स भी हम क्लियर कर सके। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी जानकारी, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर कर दे। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको इसी प्रकार के लेटेस्ट रिक्रूटमेंट की जानकारी आप सभी तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।